गति ही जीवन है, चलना ही मंजिल है। जिसको चलने के में मजा आ गया उसको बेशक मंजिल मिल गई। मेहनत में ही सफलता है, सफलता कोई एक पॉइंट नहीं है। अधिकतर लोग कई सारे कठिनाइयों का एक पहाड़ सा बना लेते हैं, क्योंकि जब आप चलते हैं तो बेशक कठिनाई आएगी, और यदि कठिनाई नहीं आई तो आप समझ जाना कि शायद किसी गलत रास्ते पे आप निकल गए हो। एक बार अपने आप को जज कर लेना, और सोच सोच कर ही परेशान हो जाते हैं उन परेशानियों से कि इन्हें कैसे पार करें। लेकिन कठिनाइयों को कठिनाई न कहें तो उनको और देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। कई बार हम अपने संकीर्ण नजरिए के कारण उन्हें कठिनाई मानते हैं, बल्कि वो कोई कठिनाई नहीं होते हैं। वस्तुतः आप मन से अधिक थक जाते हैं, और शरीर से बिल्कुल नहीं थकते हैं या बहुत कम थकते हैं। शरीर में बहुत ताकत है अगर मन उसका साथ दे तो। दुनिया की कोई भी बड़ी कठिनाई आती है तो सबसे बढ़िया उपाय है समय के छोटे छोटे हिस्से कर लें, फिर 1 मिनट या आधा मिनट ही जिए। वैसे ही भी हमें जीने के लिए एक क्षण ही मिलता है, और चलने के लिए एक कदम ही मिलता है। एक एक कदम ही करके हजारों हजार कदम हम चलते हैं। ओशो की एक छोटी सी एग्जाम्पल आता है। ओशो कहते हैं कि एक व्यक्ति पहाड़ की यात्रा पर निकला, उसको हजारों मील चलना था। उसके हाथ में एक छोटा सा लालटेन था। रात अंधेरी थी, लालटेन की रोशनी सिर्फ 2-3 कदम से ज्यादा नहीं टिकती थी। तो वह घबरा कर बैठ गया कि इस 2-3 कदम के लाइट से हम कैसे हजारों कदम चलेंगे। तो कोई एक व्यक्ति पूछा कि आप क्यों ठहर गए, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि ये 2-3 कदम सिर्फ दिखाई देती है, तो आगे हम कैसे जा पाएंगे, हम बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, यही मैं सोच रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जो 2-3 कदम दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो वह 2-3 कदम तो आप चले। फिर वह व्यक्ति उठा और वह 2-3 कदम जैसे ही चला तो फिर अगला 2-3 कदम दिखाई देने लगा, फिर चला, फिर अगला 2-3 कदम दिखाई देने लगा। तो उस दूसरे आदमी ने कहा कि बिल्कुल अब हम हजारों मील चल सकते हैं। हजार मील इकट्ठा कोई नहीं चल सकता है, लेकिन एक एक कदम करके आदमी चलता जाता है, और वह जीवन में उस विराम तक, उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इसलिए पहुंचने का लक्ष्य छोड़ दीजिए, क्योंकि जिंदगी में कहीं पूर्ण विराम नहीं है। आप सोचेंगे ये पा लेंगे, वो पा लेंगे तो आराम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जीवन चलने का नाम है, चलते रहिए। जितना आप चलेंगे लक्ष्य उतना ही पास होते जाएगा। एक व्यक्ति पहाड़ पे बहुत हथौड़ा चलाया और नहीं टूटा। फिर दूसरा आदमी गया और एक हथौड़ा मारा और वो पहाड़ टूट गया। तो एक हथौड़ा मारने वाले को क्रेडिट मिल गई, लेकिन वो जो सैकड़ों हथौड़ा मारा था उसको कोई क्रेडिट नहीं मिली। ऐसे ही हमारे भी जिंदगी में होता है कि बहुत सारे मेहनत करके अंत समय में उसको छोड़ देते हैं, और कोई दूसरा आ करके थोड़ा सा मेहनत करके उसको इनकेस कर। एक सृजनशील व्यक्ति एक नई उम्मीद के साथ जीवन जीता है, हमेशा उसको एक नई अवसर देखता है, और वह मंजिल में नहीं बल्कि मंजिल पाने की जो रास्ते हैं उसमें उसको आनंद लेता है। अतः जीवन का खूब आनंद लीजिए। थोड़ी भी परेशानी या कुछ भी आए तो वह प्रकृति का नियम है, उसको झेलना है, उसको संघर्ष करना है। कोई छोटा पत्थर आए तो उसको पैर से मार करके साइड कर दीजिए, लेकिन बड़ा पत्थर आ जाए तो अपने रास्ते बदलने में ही समझदारी है, पैर तोड़ने में नहीं। अतः आपकी जीवन चलते रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।